कानपुर रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही पॉपुलर राजमा बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने एक ये बाउल राजमा लिया हुआ है, जिसको ये चित्रा राजमा, ये बहुत ही स्वाद वाला होता है। ये मैंने रात भर इसको भिगो के रख दिया। इसको हम इसमें कुकर में डाल देंगे और इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि कम पानी रहेगा तो ये फटने का डर रहेगा और गलने में थोड़ा वो होगा। इसके लिए मैंने दो इलायची ये मैंने डालनी है, इससे स्वाद और बढ़ जाता है। ये मैंने चार लौंग रखी हुई है, थोड़ा सा मैंने तेज पत्ता लिया हुआ है और एक मैंने तेज पत्ता डाला हुआ है, और इसको हम इस पर चढ़ा देंगे। इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। इसको हम 30 से 35 मिनट तक इसको चढ़ा देंगे। अब हम ये हमारे जब तक राजमे पक रहे हैं, तब तक हम इसकी तैयारी मसाले की कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 3 छोटे मैंने प्याज छील के रख लिए हैं, अदरक का टुकड़ा, 3 मिर्ची और मैंने थोड़ा लहसुन तैयार कर लिया है। टमाटर को हम चॉप करेंगे, बाकी हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसके लिए हमने सूखे मसालों में मैंने एक आधा चम्मच मैंने ये हल्दी पाउडर डाला, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर और 1 चम्मच ये स्वाद के अनुसार आप कितना स्पाइसी खाते हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा, उसी हिसाब से ये लाल मिर्ची डाल दी और बहुत ही थोड़ी मैंने ये काली मिर्च डाल दी, आधा और चम्मच मैंने ये खटाई का पाउडर डाल दिया। अब मैंने ये टमाटर काट के ग्रेट करने के लिए और ये हरी मिर्ची ये मैंने अदरक के टुकड़े थोड़ा काट के डाल दिया है। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये मैंने प्याज काट के रख दिया है, इसको हम पहले इसको तैयार कर लें। अब हम अपना राजमा चेक कर लेते हैं, ये गल गए हैं। ये देखिए हमारा राजमा बिल्कुल गल गया है। इसको हम जब देते हैं, अब आपको हम एक अपना बहुत ही सीक्रेट मसाला बताने जा रहे हैं। ये हमारे अपना बनाया हुआ है, हमने 1 चम्मच इसमें जीरा डाला, 1 चम्मच हमने सूखी धनिया डाली और थोड़ा सा मैंने ये मेथी दाने डाले। अब इसको हम रोस्ट करेंगे, इससे और भी स्वाद आ जाता है। भुन गया है, अब इसको हमें बहुत महीन नहीं पीसना, दरदरा सा इसको पीसना है। अब ये मैंने कढ़ाई इसमें चढ़ा दी है, अब इसमें हम सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने इसमें हींग डाली, आधा टीस्पून मैंने ये जीरा और सबसे पहले हम इस प्याज को भूनेंगे। ये बहुत ही सरल है और बहुत ही जल्दी ही बन जाता है, बस थोड़ा ये ब्राउन होने तक इसको भूनिए, जलने न पाए और धीमी आंच करके इसको आराम से आप भून लीजिए। अब ये हमारा थोड़ा थोड़ा सा भुन गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इससे ये जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये भुनेगा। अब ये हमारा प्याज भुन गया है, अब ये हमारा टमाटर जो हमने पीस के डाला हुआ है
इसको हम और इसमें अब हम नमक स्वाद अनुसार, उसमें मैंने पहले डाला हुआ है इसलिए थोड़ा ध्यान से नमक डालिए, ज़्यादा ना हो जाए, कम ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसको हम भूनेंगे, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देगा इसको हम भूनते रहेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे आप धीमी आंच में उतना ही इसमें स्वाद आएगा। अब ये मेरा मसाला अच्छे से भून गया, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये जो मैंने मसाला रखा हुआ है ये इसको हम इसमें डाल देंगे, एक मिनट तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मैंने ऑयल थोड़ा कम ही डाला है, जिसको चाहे तो वो थोड़ा और भी डाल बढ़ा सकता है। अब इसको हम, ये मेरा मसाला तैयार हो गया, अब इसको हम कुकर में डाल देंगे राजमा में। अब इस ये हमारे तैयार मसाला इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छे से हिला के मसाले को चला दीजिए। अब मैंने जो ये मसाला तैयार, इसमें अब हम थोड़ा सा गरम मसाला आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं, ये इसमें हमने मिला दिया। और जो मैंने मसाला तैयार किया था वो मैंने एक चम्मच, ये मेरा सीक्रेट मसाला है, ये मैंने ऊपर से मिला के डाल दिया। अब इसको हम एक इसमें और हम सीटी लगा देंगे। अब ये एक सीटी इसमें हो गई है, इसको हम, अब ये मेरे राजमा बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसको हम सर्व कर देंगे। अब इसके ऊपर मैंने ये धनिया पत्ती डाल दी। अब ये मेरा बनके तैयार हो गया है। यदि आप इसको, आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।